वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। मैं नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ये लेकर आया हूँ BHEL अप्रेंटिसशिप के इंटरव्यू से रिलेटेड। भाई देखो हम सभी जानते हैं BHEL अप्रेंटिसशिप का आप लोगों के लिए फॉर्म आया था, तकनीशियन और स्नातक अप्रेंटिसशिप का। बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल के माध्यम से इसका फॉर्म फिल किया था और आपको बता दूं भाई देखो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे कि सर इसकी रिजल्ट की अपडेट दे दो, मैं आपके लिए अपडेट लेकर आ चुका हूं। एक और मुझे अपडेट देनी है जो HAL का फॉर्म है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। कल इवनिंग तक या परसों मॉर्निंग तक उसकी फॉर्म की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला लिंक दिया है इन्होंने यही दिया है कि कैसे जो है आप यहाँ प्रॉपर अपडेट पा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनका जो है कॉल लेटर निकालने का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। तो यहाँ पर जो है आपको मैं इस पर क्लिक करके बताता हूँ, ये जो तकनीशियन और स्नातक अप्रेंटिसशिप है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरे सामने इस तरीके का एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। देखो भाई यहाँ पर ये जो इन्होंने अपडेट दी आज ही दी है यानी 26 तारीख को दी है। ये जो अप्रेंटिसशिप थी ये तकनीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की थी, ये आप देख सकते हैं। आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। 2/5/2019 से निर्धारित की गई समय सीमा 8:30 से 5 बजे तक, यानी 2/5/2019 को आपको जाना पड़ेगा इस टाइम से इस टाइम के बीच में। कोई आगे का टाइम नहीं रखा, कोई पीछे का टाइम नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि साक्षात्कार को अपनी जो है वेबसाइट से एक कॉल लेटर भी निकालना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं निकलता कॉल लेटर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जो आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। नीचे बढ़ते हैं। ये कुछ और अपडेट दे रखी है जो आपके दस्तावेज से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको कॉल लेटर देकर जाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद सेकंड में बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म को फिल किया था वो लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा आपको पहचान पत्र लेकर जाना पड़ेगा। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड और वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे समस्त मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे और एक सेट सभी की छाया प्रतिया का। देखो भाई आपको बता दूँ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई थी, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो ITI हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जिसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपने फॉर्म को फिल किया था। ठीक है, पांचवे पे आते हैं। MHRD की साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं किया तो आप कर सकते हैं। उसके बाद छठा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, दो लेकर चले जाना, दो क्या ज़्यादा ही लेकर चले जाना, एक की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नोट ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेकर आते जो आपने फिल किया था तो आपको जो एंट्री नहीं दी जाएगी और आपका जो भी प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इस विषय पर आधारित जानकारी के लिए मानव संसाधन विभाग के भर्ती अनुभाग फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है, इस पर कॉल करके आप जो है बाकी की डिटेल्स पा सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी की मैंने जो है आपको छोटी सी जो डिटेल्स दी है BHEL अप्रेंटिसशिप के इंटरव्यू से रिलेटेड आपको सही लगी होगी। और मैं आपको बता दूं फिर भी कोई अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कर देना। HAL के फॉर्म के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी मत कीजिए। फॉर्म फ्री है, फ्री के चक्कर में जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो हैव सम पेशेंस। अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।